प्रस्तावना। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ पृथ्वी के जलवायु के तापमान में हो रहे निरंतर वृद्धि से है। मानवीय गतिविधियों के द्वारा उत्पन्न होने वाली ग्रीन हाउस गैसों से पृथ्वी के जलवायु और महासागरों के तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। कोरल रीफ का क्षय। कोरल रीफ मूंगा चट्टान एक बहुत ही जटिल संरचनाओं का सक्रिय केंद्र है। यह जैव विविधता से परिपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। इनकी उपस्थिति कई सारे समुद्री जीवों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा महासागरों के तापमान में होने वाली वृद्धि तथा कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में होने वाली वृद्धि के कारण कोरल रीफ को रंग प्रदान करने वाले और स्वास्थ्य रखने वाले शैवाल या तो टूटते जा रहे हैं या तो वह मृत होते जा रहे हैं, जिसके कारणवश प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग की समस्या भी उत्पन्न होती जा रही है। समुद्र किनारे बढ़ते निर्माण, ओवरफिशिंग तथा प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर संकट मंडराने लगा है। पिछले कुछ दशकों में ग्लोबल वार्मिंग और अन्य कारणों से पूरे विश्व में कोरल रीफ पारिस्थितिकी तंत्र में भारी मात्रा में कमी होते जा रही है। यह मूंगा चट्टानों से बनी पत्थरनुमा संरचनाएं कैल्शियम कार्बोनेट और चट्टानों का निर्माण करने वाली मूंगा संरचनाओं का मिश्रण होती है। इसके अलावा क्लेमैक्स, ओएस्टर और घोंगे जैसे जीवों के कवचों में भी कैल्शियम का तत्व पाया जाता है। समुद्र के पानी में उपस्थित को जो अपने कवचों के निर्माण के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। शोधों द्वारा पता चला है कि रीफों में लगभग 52 से 57% लार्वा का क्षय पानी का पीएच स्तर कम होने के कारण होता है। हाल के कुछ शोधों से पता चला है कि यदि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को जल्द ही रोका नहीं गया तो बढ़ते तापमान की वजह से विश्व धरोहर की श्रेणी में आने वाले सभी रीफ नष्ट हो जाए। ग्लोबल वार्मिंग के कारण महासागरों का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिससे प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग की समस्या तेजी से बढ़ रही है। इसी तरह महासागरों के बढ़ते तापमान के ही कारण कोरलों में अन्य कई समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। इसी तरह स्टेगहोर्न जैसे कोरल रीफ जो कि काफ़ी संवेदनशील होते हैं, वह कोरल ब्लीचिंग जैसी घटनाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कोरल रीफ पारिस्थितिकी तंत्र ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ते समुद्री स्तर से भी प्रभावित होता है। इसके साथ ही महासागरीय अम्लीकरण भी कोरल रीफ पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। समुद्री पानी का बढ़ता खारापन भी वैश्विक हाइड्रोलॉजिकल चक्र को प्रभावित करता है। इसके साथ ही वर्षा तथा तूफान की बढ़ती तीव्रता और कम होते अंतराल ने भी तटीय जल के गुणवत्ता को प्रभावित किया है। तूफान की बढ़ती तीव्रता और समुद्र के बढ़ते स्तर की वजह से समुद्री लहरें पहले की अपेक्षा और तीव्र हो गई है, जिससे तटीय निर्माण और कोरल पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्र तल और मैनग्रोव पर बुरा प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष। ग्लोबल वार्मिंग द्वारा महासागरों में काफ़ी तेज पैमाने पर कई तरह के रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे कई तरह के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और जीवों के ऊपर आधारभूत स्तर पर परिवर्तन देखने को मिले हैं। इसके साथ ही महासागरों के बढ़ते तापमान की वजह से भी कोरल रीफों पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। मानवों की ही तरह मूंगा चट्टाने कोरल रीफ भी अत्यधिक दबाव और तनाव नहीं सहन कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मनुष्य और मूंगा दोनों ही बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, इसीलिए वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने की आवश्यकता है, जिससे इस संकट को और आगे बढ़ने से रोका जा सके।